क्यूटीज एंड ब्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल कुछ ऐसे ब्यूटी मेंटेनेंस टिप्स जो एज अ टीनेजर हर लड़की को पता होनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्यूटीज, नंबर वन टिप इज टू एड अ स्किन केयर रूटीन इन योर डेली लाइफ। यानी आपका एक प्रॉपर मॉर्निंग एंड नाइट का स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ही स्किन केयर रूटीन बनता है। यू कैन यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स टू मेक योर स्किन केयर रूटीन, जैसे बेसन एज अ क्लेंजर, हनी प्लस लेमन एज एक्सफोलिएटिंग जेल, एंड एलोवेरा जेल प्लस वाइटामिन ई कैप्सूल एज अ क्रीम। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी स्किन को टाइमली प्रॉपर केयर मिलती रहे। Now comes tip number two. So cuties, next time घर से बाहर निकलने से पहले मेकअप करना भूल जाना, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सूरज चाचू की झुलसा देने वाली यूवी रेस से आपको और कोई नहीं, सिर्फ सनस्क्रीन ही बचा सकती है। इवन रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जिसने मुझे तो रेगुलरली सनस्क्रीन लगाने पर मजबूर कर दिया। सो दिस इंसिडेंट इज अबाउट अ ट्रक ड्राइवर जो कि पिछले 28 सालों से ड्राइविंग कर रहा था, एंड वाइल ड्राइविंग उसका हाफ फेस विंडो की साइड एक्सपोज होता था, जहां से डायरेक्ट सनलाइट एके यूवी रेस उसके फेस पर पड़ती थी, एंड द अदर साइड वॉज इन द डायरेक्शन जहां पर कोई भी सनलाइट नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से उसके हाफ फेस पर सन एक्सपोजर होने के कारण बहुत ही ज्यादा स्किन डैमेज हो गया। और वहीं दूसरी तरफ द अदर साइड ऑफ हिज फेस वॉज रियली फाइन। सो गाइज, ये रही वो पिक। आप क्लियरली देख सकते हैं जहां पर सन एक्सपोजर हो रहा था वहां पर बहुत ही ज्यादा रिंकल्स आ चुके हैं, बट ऑन द अदर साइड उसका फेस अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग है इन कंपैरिजन टू द अदर साइड। नाउ कम्स टिप नंबर थ्री, एक्सफोलिएशन। सो क्यूटीज, जैसे हमारी स्किन को एक्सफोलिएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को भी पड़ती है। सो जिसके लिए आप वंस इन अ वीक अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, यानी कि अपनी बॉडी की स्क्रबिंग कर सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल स्क्रब ले सकते हैं, यू कैन स्क्रब इट ऑन योर बॉडी। लेकिन अब उनका क्या जिनके पास बॉडी स्क्रब नहीं, या फिर जो अपना एक्सपेंसिव फेस स्क्रब अपनी बॉडी पर वेस्ट नहीं करना चाहते, देन यू नीड कॉफी पाउडर, शुगर, हनी एंड कोकोनट। इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे अपनी बॉडी पर स्क्रब कर लेना है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसके रिजल्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही होंगे जैसे आपके मार्केट से लाए हुए स्क्रब के होते हैं। टिप नंबर फोर, सो क्यूटीज, अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वेल ग्रूम्ड होना, और ग्रूमिंग का फर्स्ट स्टेप होता है अपनी आईब्रोज को बहुत ही अच्छे से ग्रूम रखना, एंड अपनी अपर लिप्स को क्लीन रखना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ब्यूटी मेंटेन्ड है? सो क्यूटीज, माई टिप नंबर फोर इज टू लर्न सेल्फ थ्रेडिंग। सो मैंने ये पर्सनली भी फील किया है कि जब भी मेरी अपर लिप्स क्लीन होती है तो मैं ज्यादा वेल ग्रूम्ड लगती हूँ, इन कंपेरिजन टू अदर डेज जब मेरी अपर लिप्स वेल ग्रूम्ड नहीं होती है। एंड क्यूटीज, अगर आप लोगों को सेल्फ थ्रेडिंग सीखनी है, देन यू कैन वॉच वन ऑफ माई वीडियो जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो क्यूटीज, टिप नंबर फाइव इज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेयर्स। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने हेयर्स की ऑयलिंग टाइमली करते रहनी है। ये आप वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर्स को प्रॉपर नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन मिल जाएगा। एंड उसके अलावा आप प्रोटीन मास्क अप्लाई कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए आपको चाहिए है एक बनाना, एक एग, थोड़ा सा कर्ड, कोकोनट ऑयल एंड हनी, जिसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे अपने हेयर्स पर अप्लाई करके 20-30 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं, एंड देन जब आप अपने हेयर्स को वॉश करोगे आप रिजल्ट देखकर खुद ही शॉक हो जाओगे। टिप नंबर सिक्स, सो क्यूटीज, टिप नंबर सिक्स इज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर नेल्स। अब कुछ क्यूटीज होती है जिन्हें अपने नेल्स को ट्रिम्ड रखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, देन कीप देम ट्रिम्ड। अब वही कुछ क्यूटीज होती है जिन्हें अपने नेल्स को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रखना अच्छा लगता है। क्यूटीज, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप लोगों को अपने नेल्स को लॉन्ग रखना अच्छा लगता है तो या तो नेल पेंट लगा के रखो या फिर नेल पेंट लगाओ ही मत, यानी कि फ्लेकी नेल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब आपकी नेल पेंट कहीं से क्रैकी होती है, फ्लेकी होती है और कहीं कहीं पर लगी हुई होती है, वो बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक लगता है। सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड।
7. So tip number 7 is to always moisturize your skin. कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड बहुत ही ज्यादा फ्लेकी हो. So to avoid this, आप टाइमली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें. एंड टू मेक योर स्किन लुक मोर अट्रैक्टिव, आप अपने मॉइस्चराइजर में दो चीजें एड कर सकते हैं. नंबर 1 इज अ लिटिल बिट परफ्यूम एंड नंबर 2 इज कोकोनट ऑयल. सो दिस विल डू टू थिंग्स. नंबर 1, जब आप ये मॉइस्चराइजर लगाओगे तो आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल करेगी बिकॉज हमने उसमें परफ्यूम ऐड किया है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट आपकी स्किन में एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट शाइन आ जाएगी क्योंकि हमने उसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया है. टिप नंबर 8, सो क्यूटीज, भले ही आप स्लीवलेस पहनते हो या नहीं पहनते हो, इट डजेंट मैटर, हमेशा अपनी अंडर आर्म्स को शेव्ड रखो बिकॉज बैड ऑर्डर एंड इचिंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव हेयर्स इन योर अंडर आर्म. सो अगली बार से ध्यान रखना. टिप नंबर 9, सो क्यूटीज, टिप नंबर 9 उन गर्ल्स के लिए है जिन्हें मेकअप करना बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन मेकअप को क्लीन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बट लेट मी टेल यू, ये जो आपको ब्रेकआउट्स होते हैं इनके पीछे का रीजन और कुछ नहीं, आपका मेकअप ही है. सो टिप नंबर 9 इज टू यूज डबल क्लेंजिंग मेथड टू क्लीन योर फेस. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक क्लेंजर चाहिए है जिसके लिए आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, माइसलर वाटर ले सकते हैं या फिर कोई क्लींजिंग मिल्क ले सकते हैं जिससे कि आपको अपनी फेस पर अच्छे से मसाज करनी है एंड देन आपको किसी भी माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लेना है. और ये टिप फॉलो करने के बाद आपकी स्किन में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा. सो नाउ कम्स टिप नंबर 10, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेयर योर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. सो ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्लोथ्स को अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही पहने. आपने देखा होगा कि कुछ क्यूटीज बहुत ही ज्यादा स्किनी होती है और साथ ही वो स्किनी जीन्स पहन लेती है एंड बॉडी फिटेड टॉप पहन लेती है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्किनी लगती है और वो जो आउटफिट है वो उनकी ब्यूटी को एनहेंस करने की बजाय बहुत ही ज्यादा बिगाड़ देती है. और वहीं कुछ क्यूटीज बहुत ही ज्यादा चबी होती है एंड दे गो फॉर द बैगी जीन्स और बैगी जीन्स के साथ लूज टॉप जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा चबी लगती है जितनी की वो है नहीं. सो क्यूटीज, आप सभी का होमवर्क है टू नो योर बॉडी टाइप. और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाऊं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो क्यूटीज, ये थी वो 10 टिप्स जो हर एक टीनेज को पता होनी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी को भी बहुत ही ज्यादा एनहेंस करेंगे. सो क्यूटीज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर ऐसी ही और टिप्स चाहिए है तो. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय.